यौम आज़ादी का ये उत्सव मना रहे हैं, 75वां जो अमृत महोत्सव, उस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा ने यहाँ किसानों के लिए एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा, जिसका नाम किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, जितनी भी स्कीमें, जितने भी प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए जो लॉन्च किए जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उन स्कीमों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिले, किसानों की आय जो है वो दुगुनी हो, बढ़े, किसान जो है वो अच्छे ढंग से खेती कर सकें, नेचुरल जैसे खेती की तरफ आजकल ज़्यादा फोकस है, ताकि उसमें ये खादें और जो रासायनिक वो है उनका कम इस्तेमाल हो और नेचुरल ढंग से खेती बाड़ी की जाए, ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो भी बरकरार रहे और हमारी किसान की जो पैदावार है वो भी दुगनी हो, वो भी बढ़े। तो उसी इशू को लेके, उसी मुद्दे को लेके आज यहाँ KVK ने हमारे माननीय SK गुप्ता जी, जो डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, इनकी निगरानी और इनकी देख रेख में जो KVK हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये डायरेक्ट फार्मर के साथ जुड़ा हुआ है और सारे जो प्रोग्राम है ये फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। तो हमारी रियासत में तकरीबन जो 10 ज़िले हैं जम्मू के, उसमें 9 जो KVK हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं और 10वां भी जो है वो भी पाइपलाइन में है। तो मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, KVK की तरफ से एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारी स्कीमें, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीमें जिनका डायरेक्ट जो फ़ायदा है, हार्टिकल्चर की स्कीमें हैं, हार्टिकल्चर के प्रोग्राम हैं जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो उन्हीं प्रोग्राम की जहाँ